हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सभी? हम लोग अपना ये जो सीरीज़ है जिसमें हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग के बहुत से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं, आज इस सीरीज़ की सेकंड क्लास है। जो इससे पहले हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी ट्रैफिक इंजीनियरिंग की, और वो बेसिक टर्म्स थी हमारी स्पीड, डेंसिटी और फ्लो। आज की क्लास में स्टार्टिंग में पहले मैं आपको ये तीनों टर्म्स एक बार रिवाइज़ करवा दूंगी, जितना हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। स्पीड क्या है, डेंसिटी क्या है, फ्लो क्या होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड हमने देखी थी, इन सभी का यूनिट्स क्या है वो हमने समझा था। तो हम इन तीनों टर्म्स के बारे में अभी अच्छे से समझ चुके हैं। अब अगला स्टेप आता है कि हमने स्पीड, डेंसिटी और फ्लो के बीच रिलेशनशिप यहाँ पर डेराइव करना है, कि इनके बीच क्या रिलेशन होता है। तो वो हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं कि एज़ पर द ग्रीनशील्ड लीनियर मॉडल, ये स्पीड, डेंसिटी और फ्लो के बीच रिलेशन क्या है और इसे कैसे डेराइव करते हैं। अलग अलग ग्राफ्स यहाँ पर बनेंगे, तो ये जो अलग अलग जितने भी हम लोग यहाँ पर ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं उनका शेप क्या रहता है जनरली, तो इन चीज़ों पर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पर गेट पे जो है, गेट एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगर सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो आपको मैं हर क्लास में पहले बताती हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई मेरी इस यूट्यूब क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो अनअकैडमी पर मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें 10,000 क्वेश्चंस गेट एग्ज़ाम से पहले आपको करवाए जाएंगे, तो बेसिकली इस सीरीज़ में ये सीरीज़ आप सभी लोग एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी ऐप आपने ओपन करनी है, वहाँ पर अलग अलग एजुकेटर्स इस सीरीज़ में क्लासेस ले रहे होंगे, जो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होंगी। लाइक मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज हाईवे इंजीनियरिंग, तो उसमें हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे, वैसे ही सब्जेक्ट वाइज आगे सब्जेक्ट मेंशन होगा। अगर आप कोई स्पेशल क्लास ओपन करते हो, वहाँ पर कोड मांगते हैं वो अनलॉक करने के लिए, तो आप वहाँ पर ये कोड यूज़ कर सकते हो, सिमरन के लाइव, और डायरेक्ट आप सारी स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे। साथ ही साथ में जितने भी आपके जैसे टेस्ट होते हैं, अनअकैडमी पर लाइव क्विज होती है, या कोई क्विज लाइव आप नहीं दे पाए हो वो आप बाद में दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप लोग इसी सेम कोड को यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो। सेम कोड से आप बाकी टेस्ट भी दे सकते हो जो आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। लाइक जैसे आपका अनअकैडमी कॉम्बैट है, हर संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, ये आपका एक टेस्ट सीरीज़ की तरह है। तो जिन भी लोगों की रैंक यहाँ पर रैंक 1 से रैंक 100 के बीच में आता है, उन सबको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो रैंक 1, 2 और 3 को 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बाकी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि 4 से 10 वालों के लिए 75% ऑफ है, चाहे आप कितने भी टाइम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। सिमिलरली 11 to 15 के लिए 50% ऑफ एंड 25% ऑफ। तो अनअकैडमी कॉम्बैट का आपका हर संडे को जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं वो पूरा का पूरा सिलेबस से आपका यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने जितने भी कॉम्बैट अभी तक हो गए हैं, और हो सकता है कि कोई कॉम्बैट आपने नहीं दिया हो, तो आप वो कॉम्बैट भी अनअकैडमी पर जाकर चेक कर सकते हो। टेस्ट वाले कॉर्नर पर अनअकैडमी ऐप ओपन करना, वहाँ टेस्ट वाली एक कॉर्नर आएगा, उस टेस्ट पर क्लिक करना, तो जितने भी टेस्ट ऑलरेडी अनअकैडमी पर हो चुके हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। ओके, और इनको ज्वाइन करने के लिए भी आप सेम कोड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, सिमरन के लाइव, और कॉम्बैट देने के लिए आपको कुछ भी अमाउंट जो है वो पे नहीं करना है। सबसे अच्छा रिवीजन का ये एक तरीका है, अगर आप लोग कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो उनको रिवाइज करना है, तो कॉम्बैट में आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनसे अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाता है। साथ ही साथ 9 जून से आपका एक दो नए बैच कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी पर। इवॉल्व बैच है गेट 2022 वालों के लिए, और एसेंट बैच है गेट 2023 के लिए। तो ये बैच कोर्सेज में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाता है, तो आपका जो सिलेबस है, साथ साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, तो जो भी आपको डाउट रहेगा विद इन द क्लास भी आप उन्हें पूछ सकते हो, क्लास में नोट्स भी बना सकते हो। तो ये दोनों बैच कोर्सेज जिसने भी गेट 22 और 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये बैच कोर्सेज बेनिफिशियल रहेंगे।
साथ में ही हमारा एक टेस्ट सीरीज़ है, फ्री टेस्ट सीरीज़, जो आप ESC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जिसने भी लाइव ये टेस्ट सीरीज़ नहीं दी है, आप ये टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। ओके, अब ये जो आपका टेस्ट सीरीज़ ESC के लिए आपका यहाँ पर मतलब कि आपने लाइव नहीं दिया है, मान लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैक्सिमम टेस्ट वो हैं जो ऑलरेडी यानी कि एडमी पर हो चुके हैं अभी से पहले, तो आप इन सभी टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करके और नए क्वेश्चंस को सॉल्व करके, तो वो आपको इन टेस्ट सीरीज में सबसे अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है। इसे भी ज्वाइन करने के लिए आपको सेम कोड यूज करना है, सिमरन के लाइव। इसको भी ज्वाइन करने के लिए आपको सेम कोड यूज करना है, सिमरन के लाइव। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अनअकैडमी प्लस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अनअकैडमी प्लस में बेसिकली आपकी लाइव क्लासेस, जैसे अभी लाइव क्लास चल रही है वैसे ही लाइव क्लासेस होती हैं, क्रैश कोर्सेज, कोई आपका एग्जाम आने वाला होगा उस पर क्रैश कोर्सेज होंगे, वीकली टेस्ट होता है, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, लैंग्वेज का इशू नहीं रहेगा आपका, हिंदी और इंग्लिश सभी में आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आई प्लस सब्सक्रिप्शन में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। और कोई सेशन मिस भी हो जाता है आपका, आप लाइव सेशन नहीं देख पाए किसी भी वजह से, आप बाद में उसको अनलिमिटेड टाइम रिकॉर्डेड देख सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप आज से कोर्स ले रहे हो तो आज से पिछले दिन जो पढ़ाया गया था आप वो क्लास नहीं देख पाओगे, आप पुरानी क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हो। पुराने कोर्सेज किसी भी एजुकेटर के जो गेट एंड ESC कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, उनके कोई भी क्लासेस, कोई भी कोर्सेज जो आज से पहले भी आए हैं, आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, हाय केमलाल, गुड इवनिंग। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या बेनिफिट्स हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपका पर्सनल कोच और स्टडी प्लानर, मतलब कि आपका जितने टाइम के लिए आप तैयारी करोगे उतने टाइम के लिए आपको एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट, उसे कितना टाइम दो, तो वो पूरी गाइडेंस आपको पूरी तैयारी के अलॉन्ग आपको मिलती रहेगी। और पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस होगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते हैं जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका अपनी गलतियों को सही करने का या उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए। तो वो टेस्ट जब आप दोगे तो उनकी टेस्ट की एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सिंपल अकेला टेस्ट देने से काम नहीं बनता है। तो आप वो टेस्ट एनालिसिस भी आपको यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। जो आपके पर्सनल कोच होंगे वो आपको टेस्ट एनालिसिस करके बताएंगे कि किस चीज़ में आपको काम करना चाहिए। डाउट सॉल्विंग सेशंस और प्रेपरेटरी स्टडी मटेरियल आइकॉनिक में मिलता है। तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो चाहे आइकॉनिक ले रहे हो, सभी में आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड। अगर आप ये सिमरन के लाइव कोड यूज करते हो तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट 10% डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, हाय निखिल, हेलो गौरंग, गुड इवनिंग। सो पुराने वाला जो इससे पहले हमारी क्लास हुई थी, आई होप सभी लोग रिवाइज करके आए हो। अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला जो सेशन था जिसमें मैंने मतलब शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, तो उसमें बताया था कि आज वाली जो क्लास होगी उसके लिए पुरानी क्लास ज़रूर देख कर आना, क्योंकि इन तीनों टर्म्स के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये पूरा स्केड्यूल जो है मैंने आगे की 5 क्लासेस का आपके साथ शेयर किया था कि आगे हम लोग कब कब क्या टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। यस, तो चलिए एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने अनअकैडमी अकॉर्ड पर इससे पहले प्रैक्टिस करवा दिए हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं और मैंने कॉन्सेप्ट्स भी करवाए हैं साथ में रिवाइज, तो आप आज भी उन क्लासेस को देख सकते हो। आपको बेस्ट आईवे इंजीनियरिंग क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 1 से पार्ट 5 तक मिल जाएगी, आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए जिसने नहीं देखे हैं। इसी सेम चैनल पर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जल्दी से एक बार क्विक रिवाइज करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। तो वो सारी स्लाइड्स मैंने यहाँ पर लगा रखी है जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था स्पीड। स्पीड सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमने 2 टाइप की पढ़ी थी, जल्दी से आंसर कर दीजिए कि कौन कौन सी स्पीड के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 टाइप ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन भी देखी थी कि हम दो टाइप की स्पीड देख रहे थे। कौन कौन सी थी? एक जर्नी स्पीड थी, एक रनिंग स्पीड थी। जर्नी स्पीड में क्या होता है, हम लोग टाइम जो है पूरा जर्नी टाइम कंसीडर कर लेते हैं कि व्हीकल ए सेक्शन से बी सेक्शन पे जा रहा है तो उसको टोटल कितना टाइम लगा, है ना। उसमें ये नहीं कंसीडर करेंगे कि व्हीकल ने रेस्ट कितना टाइम का लिया। अब रनिंग स्पीड में रेस्ट वाला टाइम एक्सक्लूड कर दो। अगर गाड़ी जितने टाइम चली है सिर्फ वही कंसीडर कर रहे हो तो वो जर्नी स्पीड रनिंग स्पीड आ जाएगी।
अब अगर आप उसमें ये भी कंसीडर कर लो कि कितना डिले हुआ है गाड़ी में, कितने टाइम के लिए ब्रेक लिया था बीच में, तो आप वो जर्नी स्पीड निकालने के लिए टाइम यूज़ कर लोगे। तो ओवरऑल टाइम जब हम कंसीडर करते हैं तो जर्नी स्पीड होता है, जब हम लोग टाइम वो कंसीडर करें जिसमें रेस्ट वाला टाइम एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो रनिंग स्पीड निकल कर आता है। फिर इन दोनों में क्या रिलेशन होता है कि रनिंग स्पीड हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जर्नी स्पीड होगा, और बराबर ये एक ही केस में हो सकता है कि जब व्हीकल ने रेस्ट ना लिया हो ए से बी सेक्शन पे जाने के लिए। फिर हमने देखा था टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड। यस, टाइम मीन स्पीड निकालने के लिए सिंपल जैसे आप एवरेज लेते हो वैसे निकालते थे। स्पेस मीन स्पीड निकालना है तो हम कोई पर्टिकुलर स्पेस या फिर पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रोड को कांस्टेंट मान लेते थे और बोलते थे कि हर एक व्हीकल जो है वो अलग अलग स्पीड से जा रही होगी। तो यहाँ पर हमने टाइम का एवरेज लिया था, स्पेस मीन स्पीड में टाइम का एवरेज लिया था, और इस तरीके से स्पेस मीन स्पीड का हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में डेराइव कर लिया है, और मैंने क्वेश्चन भी बताया था। फिर बताया था कि स्पॉट स्पीड हम क्यों निकाल रहे हैं और स्पॉट स्पीड निकालने के क्या बेनिफिट्स हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर कौन सी स्पीड को हम लोग अपर सेफ स्पीड लिमिट बोलते थे, बताना ज़रा कौन सी स्पीड। तीन तरह की स्पीड यहाँ सामने स्लाइड पे आपको शो हो रही है अभी, उन तीनों में से अपर सेफ स्पीड लिमिट हम कौन सी यूज़ करते हैं। एक तो सामने ही लिखा हुआ है कि 98% स्पीड इज़ द स्पीड एट और बिलो विच 98% व्हीकल्स आर रनिंग। तो वो स्पीड जिस पे 98% व्हीकल ट्रेवल कर रहे हैं या उस स्पीड से कम स्पीड पर 98% व्हीकल ट्रेवल कर रहे हैं उससे हम लोगों ने कहा था 98% स्पीड। तो अपर सेफ स्पीड लिमिट किसे कहते हैं जल्दी से बताओ, अभी एक ही आंसर मिला मुझे, लास्ट क्लास में ये पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, बताओ। 85% स्पीड जो होती है वो अपर सेफ स्पीड लिमिट होती है, और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन अगर मुझे करना है तो कौन सी स्पीड का यूज़ करते हो, जब रोड का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कर रहे हो तो 98% स्पीड लेते हो। मॉडल स्पीड कौन सी स्पीड होती है, वो स्पीड जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स रनिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स चल रहे हैं। फ्लो क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम। अच्छा मुझे बताओ कि आप लोगों को डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तीसरी टर्म पढ़ी थी डेंसिटी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो डेंसिटी है जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, तो ये डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बताओ। डेंसिटी इज व्हीकल पर आर, व्हीकल पर आर होता है। अच्छा और कोई, लास्ट क्लास देखी हुई है। डेंसिटी का मतलब है कि कितने व्हीकल किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि अगर मैंने 1 किलोमीटर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड को मैंने यूनिट लेंथ मान लिया, ये यूनिट लेंथ ऑफ रोड पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे मिलेंगे उसे ट्रैफिक डेंसिटी बोला था। तो ट्रैफिक डेंसिटी इज व्हीकल पर किलोमीटर, क्या होता है ये, व्हीकल पर किलोमीटर। जब मैं यहाँ पर देखूंगी जो डायग्राम बनाया था तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि 1 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड पे आपको 6 व्हीकल्स मिल रहे हैं, तो इसे बोल दिया 6 व्हीकल पर किलोमीटर। अगर लेन्स के साथ बात करनी है तो कितने नंबर ऑफ लेन्स है, 2 लेन्स मैंने इस डायग्राम में शो करी है, तो बोलेंगे 3 व्हीकल पर किलोमीटर पर लेन, है ना। तो अब हमें ये तीनों टर्म्स पता होनी चाहिए, तीनों टर्म्स की यूनिट भी पता होनी चाहिए, इसलिए हमने रिवाइज भी कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं, आगे ग्रीन शील्ड मॉडल, अब स्टार्ट करते हैं ग्रीन शील्ड लीनियर मॉडल। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों के बीच कुछ रिलेशन यहाँ पर डेराइव करने हैं, तो उसके लिए हमारा ये एक ग्रीन शील्ड मॉडल है, और लीनियर मॉडल क्यों इसे बोलते हैं वो भी समझते हैं अभी आगे। तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, इन तीनों टर्म्स के बीच एक बेसिक रिलेशन है जो हर जगह वैलिड होगा, आप कहीं भी उसे अप्लाई कर सकते हो, जब भी आपको फ्लो निकालना है, डेंसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज टर्म्स, बेसिक रिलेशन जो हमने तीन टर्म्स पढ़ी है उनके बीच, फ्लो इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू के इन टू वी। क्यू क्या था, फ्लो था, के इज योर डेंसिटी, वी था स्पीड। अब फ्लो की यूनिट, डेंसिटी की यूनिट और स्पीड की यूनिट तीनों यहाँ पर पुट करके देखो, और देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपका यह यूनिट्स जो हैं वो सेम आ रही होंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यूनिट सेम आ रही होगी। एग्जाम में मेंशन होगा कि कौन सा मॉडल यूज़ करना है, ग्रीन शील्ड भी होता है, ग्रीन बग भी होते हैं, इसके अलावा और नाम भी होते हैं, अभी हम सिर्फ ग्रीन शील्ड मॉडल के बारे में बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन यही वाला मॉडल हमारा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब सेम आएगा यूनिट,
सेम आएगा है ना यूनिट। अब वी की यूनिट क्या होती है आपका, किलोमीटर पर आवर, वी किलोमीटर पर आवर में ले लिया, डेंसिटी को ले लिया कि कितनी व्हीकल्स मिल रही है पर यूनिट सेक्शन ऑफ रोड, और यूनिट सेक्शन ऑफ रोड 1 किलोमीटर ले लिया। और फ्लो की यूनिट क्या होती है, ये दोनों कैंसिल कर दिए, फ्लो की यूनिट भी व्हीकल पर आर निकल कर आ रही है, यस फ्लो भी यहाँ पर व्हीकल पर आर निकल कर आ रहा है। तो बेसिक रिलेशन हर जगह वैलिड है। अब ग्रीनशील्ड ने बोला कि अगर आपको स्पीड निकालनी है, एक रिलेशन उसने दिया, वो रिलेशन मैं आपके यहाँ पर सामने लिख रही हूँ, वी इज वी एफ 1 माइनस के अपॉन के जे, वी इज वी एफ 1 माइनस के अपॉन के जे। पहली बात, आप सभी को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर एक चीज़ बताना मुझे, v से मैंने स्पीड लिखा हुआ है, k से हमने डेंसिटी डिनोट किया। अभी देखते हैं वी एफ क्या होता है, के जे क्या होता है। v का रेस टू पार भी 1 है और डेंसिटी का भी रेस टू पार 1 है, मतलब इन दोनों में रिलेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर होगा, पैराबोला बनेगा या फिर क्यूबिक होगा, वो कैसे पता चलता है, रेस टू पार कितना है। तो स्पीड और डेंसिटी के बीच जब मैं कर्व बनाऊंगी तो वो कैसा बनेगा, स्पीड और डेंसिटी के बीच जब हम कर्व बनाएंगे तो वो लीनियर बनेगा। तो पहली बात तो इस इक्वेशन को देख के मुझे पता चल जाती है कि सभी का रेस टू पार 1 है, तो उस वजह से ये क्या होगा, ये लीनियर बनेगा। चलिए ये समझ में आता है। अब ये फ्री फ्लो स्पीड क्या होता है, ये वी एफ क्या है, वी एफ इज फ्री फ्लो स्पीड। अच्छा, फ्री फ्लो स्पीड वो मैक्सिमम स्पीड है जिस स्पीड से व्हीकल किसी रोड पर क्रॉस कर सकती है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मान लीजिए 2 AM मॉर्निंग के 2 बजे गाड़ी चला रहे हो रोड पर, और वहीं पर मैं बोलूँ आप शाम को 5 बजे व्हीकल चला रहे हो उसी सेम रोड पर, है ना, तो आप 2 बजे अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल पाओगे, जितना आपका मन है बताओ, जितनी स्पीड से आप चलाना चाहते हो आप उस स्पीड से गाड़ी को ले जाओगे। तो फ्री फ्लो स्पीड क्या होगी, वो मैक्सिमम स्पीड से जो गाड़ी चल सकती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। 5 बजे नहीं चला पाओगे, और भी गाड़ी आऊंगी, और भी ट्रैफिक होगा, आप मैक्सिमम से नहीं जा सकते। तो इस टाइम पर जो आपकी स्पीड होगी व्हीकल की, उसको बोल दिया फ्री फ्लो स्पीड। अच्छा, ये जैम डेंसिटी क्या होती है, ये जैम डेंसिटी क्या होती है, ये होती है मैक्सिमम डेंसिटी। मतलब पर्टिकुलर टाइम पे आपको किसी यूनिट सेक्शन ऑफ रोड की लेंथ पे मैक्सिमम व्हीकल कब मिलेंगे, कब मिलेंगे मैक्सिमम व्हीकल बताओ, जब व्हीकल की स्पीड मैक्सिमम है। अब मुझे आंसर करना, आप कुछ ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं कि ग्राफ में क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्पीड को वाई एक्सिस में लिख दिया और डेंसिटी को एक्स एक्सिस में लिख दिया। आप मुझे बताना एक चीज़, यहाँ पर जब व्हीकल्स जो यहाँ पर रोड पर चल रहे हैं उनकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 0 है, ना के बराबर है, उस टाइम डेंसिटी मुझे मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी। जब स्पीड व्हीकल की किसी रोड के सेक्शन पर अप्रॉक्सीमेटली 0 है, 0 कब मिलेगी, जब ट्रैफिक जाम लगा होगा, तभी वो बहुत कम स्पीड से जा रही होगी। तो डेंसिटी उस टाइम पे कितनी होगी, मैक्सिमम या मिनिमम, ये बताना है। उस टाइम पर डेंसिटी क्या मिलेगी, के इज इक्वल्स टू के मैक्स मिलेगा ना। जब व्हीकल चल ही नहीं रहा है, आप खुद बताओ, जब व्हीकल चल ही नहीं रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, ना के बराबर, सारी यहीं पर खड़ी है, तो जब जितनी ज़्यादा व्हीकल इस पर्टिकुलर रोड की लेंथ पर खड़ी होगी उतनी ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी। तो मुझे मैक्सिमम डेंसिटी कब मिलती है, जब स्पीड 0 है। तो मैंने 2 पॉइंट्स बना लिए कि जब स्पीड 0 है उस टाइम पर डेंसिटी के मैक्स मिलता है, ऐसे लिख सकती हूँ ना इसे, और इसी के मैक्स को आप के जे भी बोल देते हो या जैम डेंसिटी भी बोल देते हो। सिमिलरली आप बताना एक और पॉइंट मुझे, जब गाड़ी, जब मैं रात सुबह के 2 बजे वाला एग्जांपल दिया था आपको, जब आप फ्री फ्लो स्पीड से चल रहे हो उस टाइम पर आपको डेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम या मिनिमम। जब आप मैक्सिमम स्पीड से जा रहे हो किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड पे, मतलब रोड बिल्कुल खाली है, आप आराम से चले हुए हो, तो डेंसिटी क्या होगी उस टाइम पे, किसी पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रोड पे आपको ज्यादा व्हीकल मिलेगी या कम व्हीकल मिलेगी। मिनिमम मिलेगी ना, तो इस केस में मिनिमम डेंसिटी होगी। तो मिनिमम डेंसिटी को मैं अभी अप्रॉक्सीमेटली 0 ले रही हूँ, एक्चुअल में होती नहीं है, पर हम इस ग्राफ को सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर बोल दिया। तो बोला कि जब स्पीड मैक्सिमम होगी, फ्री फ्लो स्पीड के बराबर होगा, तो डेंसिटी 0 हो जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, यहाँ पर एक लाइन बन रही है विद नेगेटिव स्लोप। इसी लाइन की इक्वेशन मैंने पीछे लिखी हुई है, v इज इक्वल्स टू वी एफ
वन माइनस के अपॉन के जे। आप इस इक्वेशन को पूरा बना भी सकते हो, स्लोप लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर स्लोप लिखोगे तो वाई टू माइनस वाई वन लिखो, एक्स टू माइनस एक्स वन लिखो, तो नेगेटिव स्लोप निकल कर आती है, माइनस वी एफ अपॉन के जे। तो वहीं से इक्वेशन आई है। इक्वेशन कैसे है, ये वाली जो ग्रीन शील्ड मॉडल की इक्वेशन है वो इसी लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप नेगेटिव है। आपको ये थ्योरेटिकली समझ में आ गया कि ये वी एफ और के जे कब जीरो है और कब मैक्सिमम है, बताओ। अब मैंने जो ये इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन ये बताई है कि किसी और स्पीड पर, मतलब वो फ्री फ्लो स्पीड भी नहीं है, वो जीरो स्पीड भी नहीं है, कोई और स्पीड v पर डेंसिटी कितना है k, किसी और स्पीड v पर डेंसिटी क्या है k। तो अगर कोई और स्पीड फ्री फ्लो स्पीड के अलावा उस पर अगर आप डेंसिटी निकालना चाहते हो, इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। अगर आपको वी एफ पता है, आपको के जे पता है, तो कोई भी पर्टिकुलर एक रैंडम पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया जिसकी जिस पर स्पीड v है और डेंसिटी k है, तो आप उस रैंडम वाले पॉइंट पर अगर डेंसिटी पता है तो v निकाल लो, v पता है तो डेंसिटी निकाल लो। क्लियर है सभी को, बताइए थोड़ा बहुत अभी तक जितना देखा। तो यहाँ पर ये सबसे पहला आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि स्पीड वर्सेस डेंसिटी रिलेशन कैसा होता है, पता चल गया लीनियर होता है और साथ में जो स्लोप होती है वो नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं, अगर मैं फ्लो को लिखूं तो Q किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल्स टू के इंटू वी ना, Q इज इक्वल्स टू के इंटू वी। एक काम करते हैं, V की इक्वेशन जो ग्रीन शील्ड मॉडल की थी ना, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन देखिए, V इज वी एफ, वी इज वी एफ वन माइनस के अपॉन के जे, वी इज वी एफ वन माइनस के अपॉन के जे। अब क्या किया आपने, Q इज इक्वल्स टू, अब इस K को अंदर ले जाओ, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, वी एफ को बाहर ही रहने दो, वी एफ को बाहर ही रहने दिया और ये इक्वेशन बन गई K माइनस के स्क्वायर अपॉन के जे। अब मुझे रिलेशन किस किस के बीच में बताना है, मुझे रिलेशन बताना है बिटवीन फ्लो एंड डेंसिटी, मुझे रिलेशन बताना है बिटवीन फ्लो एंड डेंसिटी। अगर मैं फ्लो एंड डेंसिटी इन दोनों के बीच रिलेशन बताना चाहती हूँ, Q का रेस टू पावर वन है लेकिन डेंसिटी का स्क्वायर है ना, Q तो रेस टू पावर वन है लेकिन डेंसिटी का स्क्वायर आ गया, क्या अभी भी रिलेशन लीनियर होना चाहिए, आंसर करना येस और नो में, आंसर करना अभी रिलेशन लीनियर होना चाहिए क्या। अब नहीं होगा ना रिलेशन यहाँ पर लीनियर, क्योंकि अब Q रेस टू पावर वन है लेकिन K का तो रेस टू पावर टू है, K रेस टू पावर टू है। अगर मैं ऐसे इक्वेशन लिखती हूँ y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। तो अब क्या बनेगा, अब ये स्क्वायर बन रहा है, एक रेस टू पावर वन है, अगला रेस टू पावर टू है, तो यहाँ पर रिलेशन बन गया पैराबोलिक। अब बनेगा पैराबोला किस किस के बीच में, फ्लो और डेंसिटी के बीच में। तो ज़रा बनाकर देखते हैं यहाँ पर कैसा बनेगा ये फ्लो और डेंसिटी के बीच रिलेशन। एक काम कीजिए, ट्रैफिक फ्लो को मैंने लिखा वाई एक्सिस में, ठीक है, डेंसिटी को लिखा मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस में। अब आपने कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैल्यू पुट करते जाना। क्या करना है आपको, पहले एक चीज़ बताओ मुझे, जब डेंसिटी जीरो है तो फ्लो कितना निकल के आ रहा है, इस इक्वेशन में पुट करनी है आप सारी वैल्यूज। अब कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है ये सारी वैल्यूज़, ये वाला जिसे मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना, व्हेन डेंसिटी ऑफ रोड इज जीरो, क्यू कितना निकल कर आएगा, फ्लो कितना आएगा, के जीरो हो गया, अगर जीरो हो जाएगा, के जीरो हो जाएगा, बताओ सब समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो मेरे पुराने लेक्चर्स भी देखना, वहां भी सब समझ में आएगा और आगे वाले सेशंस भी ऑल्टरनेट डेज में होंगे, उसमें भी सब समझ में आएगा। तो k इज इक्वल्स टू जीरो और q कितना आएगा इस केस में, यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो ज़रा डेंसिटी, डेंसिटी को पुट कर दिया, जीरो 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 वी एफ इंटू जीरो, क्यू कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक काम करो, जब आप डेंसिटी को इसी इक्वेशन में kj पुट करते हो तो बताओ क्यू कितना आ रहा है, k को kj पुट करो इस इक्वेशन में। ये तो ज़रा सा आपको इधर उधर वैल्यूज ही डालनी है, इसका आंसर तो कर सकते हो सब लोग। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर टू। अब बताओ के को के जे की, के की जगह हमने के जे पुट कर दिया तो फ्लो कितना निकल के आएगा, जीरो आ जाएगा। ये के जे है, ये के जे स्क्वायर हो जाएगा, एक जैम डेंसिटी से एक जैम डेंसिटी कैंसिल, के जे माइनस के जे अगेन जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्लो जीरो है डेंसिटी भी जीरो है,
जब डेंसिटी मैक्सिमम है, जब के मैक्सिमम है, उस टाइम पर भी सेम चीज़ हो रही है क्या? कि उस टाइम पे भी फ्लो ज़ीरो निकल कर आ रहा है। लेकिन अब मुझे निकालना है, अगर ये ऐसा है, अभी पैराबोलिक इक्वेशन है, तो किस पॉइंट पर, वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पर मुझे यहाँ पर फ्लो जो है वो मैक्सिमम मिलेगा, क्यू की वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिलेगी। अब क्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको एक बार डेराइव कर, इसकी एक बार डिफरेंशिएशन लेके ज़ीरो पुट कर देंगे। तो डी क्यू बाई डी के इक्वल्स टू ज़ीरो कर दो, यहाँ से आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जिस वैल्यू पर जो क्यू है, क्यू मतलब फ्लो, आपको फ्लो मैक्सिमम मिलेगा। मतलब कितनी डेंसिटी पर, वो डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी जिस डेंसिटी पर फ्लो मैक्सिमम होगा। तो आपको डिफरेंशिएशन थोड़ी बहुत आती होगी, तो उस अकॉर्डिंग आप इसे डिफरेंशिएट करो। तो क्यू इज इक्वल्स टू वी एफ, और ये के माइनस के स्क्वायर अपॉन के जे, के माइनस के स्क्वायर अपॉन के जे, ये हमारी इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू के, इसे डिफरेंशिएट करना है। अगर दो टर्म्स के बीच रिलेशन निकाल रही हूँ, मैंने तीसरी को कांस्टेंट रखा है, तो वी एफ यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, वी एफ यहाँ पर कांस्टेंट है। तो डी क्यू बाय डी के करते हैं, और ये वी एफ इंटू के है, वी एफ कॉन्स्टेंट है, तो वी एफ बाहर आ जाएगा ना, माइनस वी एफ को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट में, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, के डी के बाय डी के, ये तो वन हो गया, वी एफ बाहर कॉन्स्टेंट रह गया। अगेन सेकेंड टर्म में भी वी एफ कॉन्स्टेंट रहा, के स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2k, और के जे जो है ये वैसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर दो। इसे सॉल्व करो, ज़रा देखो क्या आ रहा है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी एफ इंटू 2k अपॉन के जे, और ये दोनों आपस में कैंसिल। और इस वाले केस में ये डेंसिटी निकालनी है आपको, क्या होगा डेंसिटी निकालनी है, क्या होगा, हाँ जैम डेंसिटी तो आपके ये कॉन्स्टेंट ही होगी ना, आपको दो टर्म्स के बीच रिलेशन यहाँ पर निकालना है, जैम डेंसिटी तो हमेशा मैक्सिमम डेंसिटी होगी, तो वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी कि मैक्सिमम डेंसिटी कितनी है, कि मैक्सिमम व्हीकल रोड पर कितने मिलेंगे, है ना। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इज़ के जे बाई टू, बताओ के इज़ के जे बाई टू, सभी को मिल गया ये वैल्यू, के इज़ के जे बाई टू, के जे इज के बाई टू, नहीं आप उल्टा बता रहे हो, देखो रवि रंजन ध्यान से, ये के जे आपका इधर चला जाएगा, टू नीचे आ जाएगा, तो के की वैल्यू निकाल ली। तो के आपके पास क्या आया, ये वो डेंसिटी है जिस पर क्यू की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, समझ में आया। क्यू मैक्सिमम निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट किया, जीरो किया, डेंसिटी के जे बाय टू आ गई। तो मतलब जिस डेंसिटी पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो डेंसिटी यहाँ पर क्या है, के इज इक्वल्स टू के जे बाय टू। तो इसे मैं ऑप्टिमम डेंसिटी बोल सकती हूँ, जिस डेंसिटी पर फ्लो मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है सभी को? तो अब इनके बीच रिलेशन कैसा था, पैराबोला, तो पैराबोलिक रिलेशन दिखा देते हैं। और कितनी डेंसिटी पर मुझे यहाँ पर फ्लो मैक्सिमम मिल रहा है उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, के जे बाय टू पर मुझे फ्लो की वैल्यू जो है वो क्यू मैक्स मिल रही है। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से निकल कर आता है, समझ गए सभी लोग, पैराबोला और के की वैल्यू कितने पर आपको मैक्सिमम मिलेगा वो हमने पूरा डेराइव करके निकाल लिया। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब देखो, जब फ्लो मैक्सिमम होगा, मैंने डेंसिटी तो निकाल ली कि कितनी डेंसिटी पर होगा, मैं स्पीड भी निकाल सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रीन शील्ड मॉडल है तो हम उसी का यूज़ करेंगे बार बार, वी इज़ वी एफ वन माइनस के अपॉन के जे। अब मुझे ये निकालना है कि जब क्यू इज इक्वल्स टू क्यू मैक्स उस टाइम पर व्हीकल की स्पीड कितनी होनी चाहिए, मुझे स्पीड निकालनी है। तो वी मैक्स निकालने के लिए कुछ नहीं करो, आपको पता है कि एट क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स के की जगह मैं के जे बाई टू पुट कर सकती हूँ, बताइए, इस डेंसिटी की जगह आप के जे बाई टू पुट कर सकते हो अगर आपको मैक्सिमम फ्लो निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, वी इज इक्वल टू वी एफ वन माइनस के की जगह हम लिख सकते हैं के जे बाई टू डिवाइडेड बाई के जे, वैसे ही रहा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और वी इज इक्वल टू वी एफ बाई टू। तो वो स्पीड जिस स्पीड पर मुझे मैक्सिमम फ्लो मिलेगा वो स्पीड क्या होगी, फ्री फ्लो स्पीड का हाफ। तो मतलब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि एट क्यू मैक्स जब फ्लो मैक्सिमम होगा तो स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड किसके बराबर होगी, फ्री फ्लो स्पीड का हाफ, और डेंसिटी किसके बराबर होगी, जैम डेंसिटी का हाफ। इसका मतलब अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम फ्लो निकालो कितना होगा, तो जहाँ पर मैक्सिमम फ्लो पूछा है सिर्फ वहीं आप ये रिलेशन को यूज़ कर सकते हो।
जहाँ उसने मैक्सिमम फ्लो नहीं पूछा है और ये बोला है कि किसी पर्टिकुलर स्पीड पर फ्लो निकालो, तो आपको पूरा यहाँ पर इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी। यहाँ जो फ्री फ्लो स्पीड दिया है, डेंसिटी दिया है, जैम डेंसिटी, वो सारा कुछ पुट करके उस पर्टिकुलर स्पीड पे वैल्यू निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी है। अब अभी आपको ये पता नहीं चला होगा कि मैंने क्या बोल दिया, कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। ये भी मैंने YouTube पर जो पहले मेरे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं वहाँ पर ऐसा ही एक क्वेश्चन भी करवा रखा है आपको। फर्स्ट क्लास जो है ना, हाईवे इंजीनियरिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट वन है, जो अभी इसी मंथ मैंने करवाया है, तो आप वो पार्ट वन में देखना, उसमें आपको इसका भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जब आपको मैक्सिमम फ्लो निकालना है तो वी एफ बाई टू इंटू के जे बाई टू करके मैक्सिमम फ्लो निकल जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब तीसरा रिलेशन डेराइव करते हैं। जैम डेंसिटी क्या बताना है? जैम डेंसिटी में क्या बताना है? जैम डेंसिटी इज द मैक्सिमम डेंसिटी ना, जैम डेंसिटी इज द मैक्सिमम डेंसिटी। मतलब अगर पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रोड मैं कंसीडर कर रही हूँ तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब मैंने ड्रोन से देखा 6 बजे आज आसपास में कोई एक रोड था, मैं वहाँ ऑब्जर्व कर रही थी, तो बिल्कुल 6 बजे इस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रोड पे आप कितना व्हीकल ऑब्जर्व कर रहे हो और वो आपने वो काउंट किया, उसको बोलते हैं डेंसिटी। और जैम डेंसिटी मतलब आपको पता है जब ट्रैफिक जाम लगा होगा तो इस लेंथ ऑफ रोड पे मैक्सिमम व्हीकल मिलेंगे, क्योंकि वो चल ही नहीं रहे होंगे या उनकी स्पीड 0 के बराबर होगी, तो के मैक्सिमम को ही के जैम डेंसिटी भी बोलते हैं। जैसे जैसे जब ट्रैफिक जाम लगा होता है तो आपने देखा है ना, किसी लेंथ ऑफ रोड पे बहुत सारी गाड़ियां मिलती है, तो अगर उस टाइम पे मैं कोई सेक्शन रोड का कंसीडर कर लूँ तो मैक्सिमम व्हीकल उस लेंथ ऑफ रोड पे मिलेंगे, तो कितने व्हीकल पर किलोमीटर, मैंने वो यूनिट लेंथ ऑफ रोड 1 किलोमीटर कंसीडर कर लिया, कि 1 मीटर में तो आपको एक व्हीकल भी नहीं मिलेगा। 6 मीटर तो हम लोग वैसे कंसीडर करते हैं लेंथ ऑफ व्हील बेस, तो व्हीकल पर किलोमीटर ये इसकी यूनिट होती है। समझ गए डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मतलब पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रोड पे कितने व्हीकल्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे मिल रहे हैं, और जैम डेंसिटी मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब ट्रैफिक जाम लगा हुआ है तो मैक्सिमम व्हीकल उसी रोड पर 1 किलोमीटर लेंथ पे कितने। अच्छा अब ये हो गया, अब तीसरा रिलेशन देखते हैं। दैट इज फ्लो वर्सेस स्पीड। इसको भी थोड़ा सा डेराइव कर लेते हैं, यहाँ लिखती हूँ इसे मैं, फ्लो वर्सेस स्पीड। फ्लो वर्सेस स्पीड, अब तीसरा रिलेशन है फ्लो वर्सेस स्पीड, ये भी निकाल लेते हैं। फ्लो मतलब क्यू और स्पीड मतलब वी, ये निकालना है हम लोगों को। अभी ग्रीनशील्ड मॉडल को ही यूज़ कर रहे हैं, तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल्स टू वी एफ 1 - K अपॉन के जे। मैंने इसी इक्वेशन को ना थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, वी एफ को इस तरफ ले आई, 1 - K अपॉन के जे को वैसे ही रहने दिया। इस के अपॉन के जे को ध्यान से देखना सारे स्टेप्स, अगर लिख रहे हो साथ में तो बाद में लिख लेना। के अपॉन के जे को लेफ्ट साइड ले आई, 1 - V अपॉन वी एफ बन गया, और इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया और इसे डेंसिटी की टर्म में डिफाइन कर दिया। देख रहे हो मैंने जो इक्वेशन हम स्पीड की टर्म में लिखते थे उसी सेम इक्वेशन को हमने डेंसिटी की टर्म में लिख लिया, कि के इज इक्वल्स टू के जे 1 - VF, और यहाँ पर के जे क्या है, जैम डेंसिटी है, वी एफ फ्री फ्लो स्पीड है, और के आपकी के इज द डेंसिटी एट एनी स्पीड, जब व्हीकल वी स्पीड से चल रहे हैं, 20 km/h की स्पीड से चल रहे हैं, तो उस टाइम पर डेंसिटी कितना व्हीकल पर किलोमीटर है, ये वो है। ये सारी टर्म्स क्लियर है सभी को? मैंने बस थोड़ा सा रीअरेंज किया इनको। अच्छा अब एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे फ्लो और स्पीड के बीच रिलेशन निकालना है ना, तो मैंने आपको बोला था कि फ्लो, डेंसिटी और स्पीड, इन तीनों में बेसिक रिलेशन, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, चाहे ग्रीनशील्ड मॉडल है, चाहे ग्रीनबर्ग मॉडल है, या तीसरा कोई और मॉडल है, आप सभी जगह इस बेसिक रिलेशन को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने वही यूज़ करना है। अब मैंने क्या किया, क्यू इज इक्वल्स टू के की जगह पुट कर दो यहाँ पर के जे, ये वाली इक्वेशन से इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 बोल दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री Q इज इक्वल्स टू के इंटू वी, वी को वैसे ही रहने दिया, K की जगह पुट कर दिया के जे 1 - V अपॉन वी एफ, इस स्पीड को वैसे ही रहने दिया। आपको एग्जाम में ये डेराइव नहीं करना है, अभी तो हम डेरिवेशन से ये सीख रहे हैं कि ग्राफ ऐसा क्यों बना है या उसका वैल्यूज मैक्सिमम या उस पर क्या होगा। तो देखो Q इज इक्वल्स टू के जे को बाहर ही रहने दिया, V - V स्क्वायर अपॉन वी एफ,
अब बताओ फ्लो और स्पीड के बीच जो कर्व बनेगा उसकी शेप क्या होनी चाहिए, क्योंकि सेम चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन की है। अभी मुझे रिलेशन किसके बीच चाहिए, क्यू वर्सेस स्पीड, स्पीड वर्सेस फ्लो। जो मैं ग्राफ बनाऊंगी वो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, पैराबोला बनेगा, क्या शेप होनी चाहिए इन दोनों में से? इस इक्वेशन को देख के ये बताओ कि क्या किस शेप का ग्राफ बनेगा। अभी अभी पढ़ा है हमने ये। ठीक है, तो क्यू वर्सेस वी, अगर आपका रिलेशन यहाँ पर मैं देखूँ, क्यू रेस टू पार 1 है और स्पीड रेस टू पार मैक्सिमम 2 है ना, स्पीड रेस टू पार मैक्सिमम 2 है, तो अगर इसका रेस टू पार 1 है, ये रेस टू पार 2 है, तो ये लीनियर रिलेशन तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो कैसा निकल कर आता है, वो पैराबोलिक रिलेशन निकल कर आता है। यहाँ भी जो रिलेशन निकल कर आता है वो पैराबोलिक निकल के आता है, क्योंकि मुझे स्पीड और फ्लो के बीच रिलेशन देखना था, और क्यू और वी के बीच जो रेस टू पार यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 मिल रहा है ना। बताओ, इससे पहले भी तो आपको यही बताया, इससे पहले भी तो आपको यही बताया कि यहाँ पर देखिए रिलेशन जो था क्यू और के बीच कैसा था, क्यू रेस टू पार 1 था और के रेस टू पार 2 था, तो यहाँ भी रिलेशन पैराबोला था। तो यहाँ पर भी रिलेशन पैराबोलिक है, तो अगर मैं ग्राफ को बनाऊँ यहाँ पर कि ग्राफ कैसा निकल कर आएगा, अगर हम ग्राफ को बनाएं तो मैंने स्पीड को लिखा वाई एक्सिस में और फ्लो को लिखा एक्स एक्सिस में। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके मुझे बताना, अगर स्पीड की वैल्यू 0 है तो फ्लो कितना आएगा उस केस में? ये आंसर करना सभी लोग कमेंट सेक्शन में कि अगर स्पीड की वैल्यू 0 है तो फ्लो कितना निकल कर आएगा, उस केस में फ्लो कितना निकल कर आएगा व्हेन स्पीड इज 0। देखो यहाँ पर स्पीड को 0 पुट कर दूँ तो फ्लो 0 आ रहा है ना। अगर स्पीड को फ्री फ्लो स्पीड के बराबर पुट कर दूँ तो क्यों कितना निकल के आ रहा है, व्हेन स्पीड इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्पीड या फ्री फ्लो स्पीड, तो उस केस में फ्लो कितना निकल के आएगा। तो वी को वी एफ पुट कर दो तो भी क्यों 0 आ रहा है। अच्छा, अगर मुझे ये बताना है कि मैक्सिमम फ्लो मुझे किस स्पीड पर मिल रहा है, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू मैक्स, वो मुझे किस स्पीड पर मिल रहा है, तो वी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ऑलरेडी हम लोग ये निकाल चुके हैं वी की वैल्यू मुझे कितना पुट करने पर मैक्सिमम क्यू की वैल्यू मिलेगी। अभी इससे पिछले केस में ही हमने वो डेराइव किया था। बताओ, क्यू की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, किस स्पीड पर क्यू मैक्सिमम मिलेगा, ये हमने अभी देखा था। एट क्यू मैक्स वी कितना होता है, वी इज वी एफ बाय 2। एट क्यू मैक्स वी इज वी एफ बाय 2, तो ये क्यू मैक्स वी इज वी एफ बाय 2। एट क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स वी कितना होता है, वी इज वी एफ बाय 2। अब मैं इसके बीच यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो शो कर सकती हूँ। तो मुझे पता है कि एट स्पीड 0, एट जब स्पीड 0 होगी तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 है, तो जब वी 0 है तो क्यू की वैल्यू भी 0 है। फिर आपको पता है जब स्पीड की वैल्यू आपने वी एफ भी पुट की है, जब यहाँ पर यहाँ लेती हूँ वो पॉइंट, व्हेन वी इज इक्वल्स टू वी एफ, उस टाइम पर भी क्यू 0 है, तो वी एफ और यहाँ पर क्यू इज इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन में आ गए, यहाँ नहीं आया कोई पॉइंट। और रिलेशन कैसा है, पैराबोलिक रिलेशन है, तो ये पैराबोलिक रिलेशन है, ये रिलेशन यहाँ शो कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये पॉइंट बताना है कि किस वैल्यू पर आपको मैक्सिमम फ्लो मिला, कौन सी वैल्यू पर आपको क्यू मैक्स मिला, जब स्पीड किसके बराबर थी, व्हेन स्पीड इज इक्वल्स टू वी एफ बाय 2। तो यहाँ पर भी जो रिलेशन आया निकल कर वो कैसा निकल कर आया, पैराबोलिक। यहाँ जो रिलेशन आया वो निकल के आया पैराबोलिक। और कैसी शेप बन रही है, किस वैल्यू पर क्यू मैक्सिमम मिल रहा है, ये क्लियर है सभी को? बताइए, ये सभी को क्लियर है? मैंने जितना अभी तक ये तीनों ग्राफ बताए और तीनों ग्राफ की शेप क्या होगी और ये पॉइंट्स जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं स्पीड का, फ्लो का, डेंसिटी का, तो वो पॉइंट्स कैसे हम कंसीडर कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर है सभी को? क्लियर है तो लाइक कर दो सारे वीडियो, जितने लोग अभी क्लास देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दो अगर सभी को समझ में आ गया। तो लास्ट में एक बार ये सारे ग्राफ्स देख लेते जितने भी अभी हमने डिस्कस किए। तो सबसे पहला ग्राफ हमने देखा स्पीड वर्सेस डेंसिटी, स्पीड वर्सेस डेंसिटी कर्व। तो यहाँ पर हमें पता है जब स्पीड इज फ्री फ्लो स्पीड तो उस टाइम पर डेंसिटी 0, जब डेंसिटी इज इक्वल टू जैम डेंसिटी तो उस टाइम पर स्पीड इज इक्वल टू 0।
पहला स्पीड वर्सेस डेंसिटी कर्व। दूसरा कर्व हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ क्यू वर्सेस अगर डेंसिटी कर्व बनाना है, क्यू वर्सेस डेंसिटी कर्व बनाना है क्यू वर्सेस के, तो ये पैराबोला निकल कर आता है और इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जब क्यू इज इक्वल्स टू क्यू मैक्स उस टाइम पर डेंसिटी कितनी होती है, उस टाइम पर डेंसिटी इज के जे बाय टू। और तीसरा रिलेशन हमने क्या देखा, तीसरा रिलेशन हमने लास्ट अभी स्पीड वर्सेस डेंसिटी, स्पीड वाई एक्सिस में है और डेंसिटी क्यू इज इक्वल्स टू, अच्छा ये क्यू मैक्स नहीं लिखते इसे, तो ये जो फ्लो है वो हमारा एक्स एक्सिस में है, वो फ्लो एक्स एक्सिस में है। और ये हमने देखा कि हमें एट स्पीड, फ्री फ्लो स्पीड का जब हाफ होगा व्हेन वी इज वी एफ बाय टू, तो उस टाइम पर हमें क्या मिलेगा, क्यू की मैक्सिमम वैल्यू, ये क्यू मैक्स मिलेगा। और यहाँ पर स्पीड इज फ्री फ्लो स्पीड, यहाँ पर ये जीरो। ये तीनों ग्राफ क्लियर है और ये सारे जो डेराइव किया करवाए मैंने आपको रिलेशन, वो सभी को समझ में आ गए, ठीक है। तो ये था आपका ग्रीन शील्ड मॉडल। इस मॉडल के बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, इस मॉडल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे, तो वो क्वेश्चंस जो मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली सीरीज इससे पहले थी वो ऑलरेडी उसमें मैंने करवा दिए हैं। अब आपका जो अगला सेशन रहने वाला है, आई होप आज की क्लास में जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो समझ में आई होंगी आपको, और इसके क्वेश्चंस अभी मैं स्पेशल क्लासेस में भी आपको प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। तो स्पेशल क्लासेस भी हम साथ साथ ले, मतलब कल आपकी 6 बजे स्पेशल क्लास लूँगी मैं और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के। तो मैंने आपको पूरा स्केड्यूल पिछली क्लास में शेयर किया था, एक बार फिर से शो करवा देती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा 12th जून को सेम टाइम पर 6 बजे आप सभी ने लाइव आ जाना है, और वेबस्टर मेथड ऑफ सिग्नल डिज़ाइन, ये भी आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से आपको ये क्लियर करवाऊंगी कि ये साइकिल लेंथ क्या होता है, ये फेज क्या होता है, और ये रेड टाइम 2n+r ऑल रेड टाइम क्या होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारे अच्छे से क्लियर कराऊंगी आपको। 12th जून को क्लास होगी 6 बजे, ठीक है। तो आज का सेशन में जितना भी पढ़ाया अच्छे से रिवाइज करना, इसके बेसिस पे जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है वो एक बार अपने आप ट्राई करना, और अभी का सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक ज़रूर करेंगे, और हम लोग मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए।